नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संतोष पांडे आपका अपनी इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा ब्लड प्रेशर के बारे में। ब्लड प्रेशर क्या होता है, ब्लड प्रेशर कितने तरह का होता है, ब्लड प्रेशर कब चेक कराना चाहिए और किस कंडीशन में नहीं चेक कराना चाहिए। साथ में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि क्या करके ब्लड प्रेशर से बच सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊँगा कि किस उम्र में ब्लड प्रेशर कितना होता है। तो चर्चा शुरू करने के पहले एक इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, यदि आप मुझे पहली बार देख रहे हैं या आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा जिससे ज़्यादा जो भी मैं वीडियोज़ बनाता हूँ उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे दोस्तों। तो सबसे पहले ब्लड प्रेशर क्या होता है, जो हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है उसका जो हमारे शरीर की नसों पर प्रेशर होता है वो ब्लड प्रेशर कहलाता है। बहुत ही सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल सी बात है। ब्लड प्रेशर दो तरह का होता है दोस्तों, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। सिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर होता है, ये आपको ये बात समझने के लिए सिस्टोलिक डायस्टोलिक क्या होता है, जिससे आप कभी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर से पूछते हैं डॉक्टर साहब मेरा ब्लड प्रेशर कितना है या कितना लिया आपने, तो डॉक्टर आपको बताते हैं 120/70 मान लीजिए आपको ऐसा बताया, तो जो 120 बोलते हैं वो आपका सिस्टोलिक है, जो 70 बोलते हैं 120/70 बोलते हैं 120/70 बोलते हैं, जो 70 है वो आपका डायस्टोलिक है। तो सिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर होता है वो ये होता है कि जब हमारा हार्ट जो है ब्लड को पंप करता है उसकी वजह से जो हार्ट पे जो नसों पे प्रेशर मिलता है वो सिस्टोलिक कहलाता है। और डायस्टोलिक जो होता है वो जब दो बीट के बीच का जो मिनिमम प्रेशर होता है वो डायस्टोलिक प्रेशर कहलाता है दोस्तों। ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दो तरह के प्रेशर होते हैं। यदि ब्लड प्रेशर अपनी नॉर्मल रेंज से ज़्यादा आ रहा है तो इसे हाइपरटेंशन कहते हैं या बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर कहते हैं। यदि ब्लड प्रेशर अपनी नॉर्मल रेंज से नीचे आ रहा है, नॉर्मल लोअर रेंज से नीचे आ रहा है तो उसे हाइपोटेंशन या कम हुआ ब्लड प्रेशर कहते हैं दोस्तों। दोस्तों, ब्लड प्रेशर चेक कराने के लिए हमेशा सावधानी रखने की ज़रूरत होती है। हमें उस कंडीशन में कभी ब्लड प्रेशर नहीं चेक कराना है जब हम गुस्से में हों, जब हम स्ट्रेस में हों, जब हम दुखी हों, किसी वजह से हमारी नींद नहीं पूरी हुई हो, नींद प्रॉपर तरीके से नहीं आई हो, रात भर हम जगे हों, ऐसी कंडीशन में हमें ब्लड प्रेशर कभी नहीं चेक कराना चाहिए। ब्लड प्रेशर हमें उस कंडीशन में भी नहीं चेक कराना है जब हम एक्सरसाइज करके तुरंत गए हों, तुरंत हमने योगा किया हो, रनिंग किया हो, जॉगिंग किया हो, कुछ भी फिजिकल वर्क, ओवरऑल कोई भी हमने फिजिकल वर्क किया हुआ हो तो हमें नहीं चेक कराना है। किसी भी वजह से हमें एंजाइटी हो रही हो तो हमें ब्लड प्रेशर नहीं चेक कराना है दोस्तों। ब्लड प्रेशर चेक कराने के लिए हमेशा आप जो हमने बातें बताई इन बातों से के अलावा मैं आप डॉक्टर के पास जाइए, बैठ जाइए डॉक्टर से, डॉक्टर के पास देख लीजिए, 10 मिनट का आपके पास समय होना चाहिए, बैठ जाइए, जब आप रिलैक्स हो जाए फिर डॉक्टर से अपना ब्लड प्रेशर चेक कराइए। बहुत से लोगों में व्हाइट कोट सिंड्रोम होता है दोस्तों, कि डॉक्टर को देख के उन्हें टेंशन होने लगती है, डॉक्टर के पास जाने से उन्हें स्ट्रेस होने लगता है, तो उनका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। ऐसे लोगों के लिए सलाह तो यही बनती है कि वो अपना एक इलेक्ट्रॉनिक मीटर खरीदें, इलेक्ट्रॉनिक मशीन खरीदें और उसे घर पर रखें। इलेक्ट्रॉनिक मशीन के साथ ब्लड प्रेशर चेक करने की स्पेशल शर्त ये होती है कि एक रीडिंग जब आप सिंगल रीडिंग देखते हैं तो दोस्तों वो गलत रीडिंग दे सकती है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक की हमेशा तीन रीडिंग देखी जाती है। तीन रीडिंग देख के उसका जो सम हो उसे निकाल लिया जाता है तो वो एग्जैक्ट रीडिंग आपकी मिल जाती है दोस्तों। ब्लड प्रेशर कम हो या ज़्यादा हो दोनों हमेशा खतरनाक होता है, तो इन सारे सर्कमस्टांसेस से बचने के लिए आपको कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो करिए और बचे रहेंगे। पहला, रेगुलर एक्सरसाइज करिए, रेगुलर बेसिस पे आपको एक्सरसाइज करना है, योगा करना है, मेडिटेशन करना है, पानी खूब पीना है, खाने में नमक का सेवन कम करना है, फास्ट फूड, जंक फूड और चाइनीज वगैरह जो भी होते हैं दोस्तों इन सब में बहुत ज़्यादा नमक होता है, बहुत ज़्यादा नमक होता है। इनकी साल्ट की वैल्यूज आप निकालेंगे तो वो देखेंगे बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इन सब चीज़ों से परहेज करें। और खाने में हरी साग सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां, फल, सैलेड, इन सब चीज़ों का ज़्यादा सेवन करें दोस्तों। प्रॉपर तरीके से नींद लें, कम से कम 6-7 या 8 आवर्स की नींद बहुत ज़रूरी होती है, और स्ट्रेस से बचे रहें। इन सब चीज़ों को करके आप देखेंगे अच्छा आपका ब्लड प्रेशर चलेगा, ब्लड प्रेशर ही क्या और भी चीज़ें आपकी अच्छे से कंट्रोल होती रहेंगी दोस्तों। लास्ट में बात होती है कि किस एज ग्रुप में कितना ब्लड प्रेशर मिलता है, तो दोस्तों इसके लिए बात होती है 18 से लेके 14 से लेके 18 साल की उम्र के लोगों में
सिस्टोलिक जो है 90 टू 120 के बीच मिलता है, डायस्टोलिक जो है 50 से 80 के बीच मिलता है, 19 से 40 वर्ष के लोगों के बीच 95 टू 135 सिस्टोलिक रहता है और डायस्टोलिक 60 टू 80 mmHg मिलता है। और 41 टू 60 एज के ग्रुप के लोगों के लिए 110 से लेकर 145 सिस्टोलिक और डायस्टोलिक 70 से लेकर 90 के बीच, 61 साल या 61 ईयर्स और या उसके ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है ये 95 से लेके 145 सिस्टोलिक रहेगा और डायस्टोलिक जो है वो 70 से लेके 90 के बीच रहता है। ये दोस्तों एक एज के हिसाब से ब्लड प्रेशर के नॉर्मल वैल्यूज हैं सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। एक ऑन एन एवरेज बात करें कि ब्लड प्रेशर मिलता है यूजुअली कितना मिलता है, तो यूजुअली दोस्तों ब्लड प्रेशर आपका जो सिस्टोलिक है वो 95 टू 145 के बीच में रहेगा और डायस्टोलिक जो है 60 टू 90 mmHg रहता है दोस्तों, एक नॉर्मल रेंज होती है। दोस्तों मैंने ब्लड प्रेशर को समझाने के लिए एक छोटा सा मेरा प्रयास था, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा जिससे हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। फायदेमंद जानकारी है, हेल्थ से रिलेटेड वीडियो है, ये तमाम आपके घर परिवार के लोगों के जानने वाले चाहने वाले लोगों के लिए हेल्दी रख सकता है, इसलिए उन लोगों के साथ भी शेयर करिए जिनसे आप प्यार करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए, लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे इजाज़त दीजिए, जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, टेक केयर।